Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are fine at your home. So students, as you gave your periodic test and some students have confusion in some questions, so today we will discuss the solution of that periodic test. Okay, so I have your question paper. So I will read the question paper and we will discuss the answer of that. Okay, so first 10 questions were aapke MCQs the. जिनमें से आपको MCQs में से करेक्ट वर्ड है वो लिखना था, करेक्ट ऑप्शन था वो, विच वन इज द करेक्ट, यू हैव टू राइट दैट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द वर्किंग पॉपुलेशन. सो वर्किंग पॉपुलेशन हमने पढ़ी थी जब एज स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एक एज ग्रुप होता है 0 to 40 जिसे हम चिल्ड्रन ग्रुप कहते हैं, अनदर वन इज 15 to 59 जिसे हम वर्किंग एज कहते हैं, एंड एक ग्रुप था 60 और अबव. सो विच वन इज द करेक्ट, that is 15 to 59 years old. They are the working population. इन्हें working population कहा जाता है. Okay? So second question is, which country have the highest sex ratio? Male female ratio किस country में ज्यादा है? So एक country मैंने आपको बताई थी, European country, that is Latvia. Latvia country में जो male है उनका migration हुआ है, वो दूसरे countries में गए हैं working के लिए. So वहां पर female ज्यादा है, इसलिए वहां पर male female ratio है वो सबसे ज्यादा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच इंडियन इकोनॉमिस्ट गिव द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट की सबसे पहले जो थ्योरी है वो किसने दी थी? तो उसमें एक महबूब उल हक आते हैं जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते थे. तो यहां पर क्वेश्चन में हमें इंडियन इकोनॉमिस्ट दिया है, तो दैट इज अमृत सेन. अमृत सेन वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु गेव द थ्योरी रिगार्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप. आपको चार क्रॉप के नाम दिए हैं और आपको बताना था इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है. सो फर्स्ट वन इज कॉफी, सेकेंड वन इज शुगर केन, थर्ड वन इज व्हीट, एंड फोर्थ वन इज रबर. सो रबर, शुगर केन एंड कॉफी, दीज आर द ये प्लांटेशन क्रॉप है, जबकि व्हीट है वो फूड ग्रेन है. सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या था? दैट इज व्हीट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्री. जिन इंडस्ट्री में अदर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बनता है, उन इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? सो उन इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं. बेसिक इंडस्ट्री, तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा? बेसिक इंडस्ट्री मीन्स बेसिक इंडस्ट्री में जो चीजें बनती है वो दूसरी इंडस्ट्री है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है. जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उनमें जो आयरन एंड स्टील के जो शीट्स वगैरह बन रही है उससे फर्दर आगे मशीन्स बनती है जो दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करती है. ओके, सो बेसिक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? जहां पर ऐसे सामान बनते हैं जो दूसरी कंट्री एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं लोग? सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में से प्राइमरी एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर. सो रूरल सेटलमेंट में लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी. तो हम यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज, इन 2001 सेंसस व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी 2001 के सेंसस में? दैट इज आपको ऑप्शन में दिया गया है 102.8 करोड़. दैट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया. इंडिया में मेल माइग्रेशन का मेन रीजन क्या है? सो यहां पर आपको एजुकेशन, ट्रेडिंग, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मैरिज. सो मेल माइग्रेशन इंडिया में क्यों होता है? दैट इज फॉर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट. दैट वाज द करेक्ट आंसर. वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए जो माइग्रेशन होता है, दैट वाज द मेन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया. व्हिच स्टेट हैव द लोएस्ट लिटरेसी रेट. इंडिया में लोएस्ट लिटरेसी रेट वुमेन की सबसे कम किस स्टेट में है? दैट इज बिहार. बिहार में वुमेन लिटरेसी है वो सबसे कम है. ओके, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन. एट द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ग्रीन हाइब्रिड्स आर यूज्ड इन व्हीट एंड राइस. वीट एंड राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किस कंट्रीज से जो ब्रीड्स है वो मंगवाई गई थी? सो करेक्ट आंसर इज मैक्सिको एंड फिलीपींस. मैक्सिको से वीट की हाइब्रिड्स एंड फिलीपींस से राइस की ब्रीड्स है वो मंगवाई गई थी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द
मैरिट एंड डीमेरिट ऑफ पाइपलाइन. सो मैरिट एंड डीमेरिट ऑफ पाइपलाइन क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मैरिट एंड 2 डीमेरिट आप देख सकते हैं. तो 2 मैरिट में फर्स्ट वन इज पाइपलाइन से ट्रांसशिपमेंट लॉस नहीं होता है, डिले नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन में. सो जैसे ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रेन से, तो उनमें डिले हो सकता है एंड ट्रांसशिपमेंट लॉस भी नहीं होता है. जो भी सामान है उसका लॉस है वो भी नहीं होता है, एज इट इज जितना मटेरियल आपने है वो वहां पर मिल जाता है. ओके, सेकंड, इट इज बेस्ट वे टू डिलीवर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड लिक्विड कोई भी मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने का बेस्ट वे है एंड इसमें ट्रांसपोर्टेशन में डिले नहीं होता है. जबकि डीमेरिट में अभी जगह होती है तो उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है. एंड सेकंड, इसके जो इनिशियल कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की वो बहुत ज़्यादा होती है. यानी स्टार्टिंग में आपने कहीं पर पाइपलाइन बनानी है तो उसका कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु यूज द हाइएस्ट ग्राउंड वाटर, वट आर द रीजन फॉर दैट. सो पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज होता है. तमिलनाडु में तो ग्राउंड वाटर है भी नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है. उसके पीछे रीजन ये है कि पंजाब एंड हरियाणा में तो इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है ग्राउंड वाटर को. ओके, जबकि तमिलनाडु में जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है तो वहाँ पर भी इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है ग्राउंड वाटर को. सो मेन रीजन क्या है ग्राउंड वाटर यूज करने का, दैट इज इरिगेशन पर्पस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्ट लैंड एंड कल्टिवेबल वेस्ट लैंड. बैरन लैंड एंड कल्टिवेबल वेस्ट लैंड में क्या डिफरेंस है. बैरन लैंड वो लैंड है जिस पर हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके भी वहां पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, मीन्स वहां पर कल्टिवेशन हो ही नहीं सकता. जबकि कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है उसको हम एग्रीकल्चर के लायक बना सकते हैं वहां पर डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम. ओके, नेक्स्ट वन इज वट डू यू मीन बाई ग्रीन रेवल्यूशन. सो 1960s and 1970s में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए फार्मर्स को, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ओके, इरिगेशन टेक्निक्स है वो प्रोवाइड कराए सब्सिडीज पर. गवर्नमेंट चाहती थी कि प्रोडक्शन है वो फूड ग्रेन्स का वो ज़्यादा बढ़े. उसमें मेनली वीट एंड राइस थे एंड पल्सेस भी थी. तो ये एक्सपीरियंस इंडिया के कुछ स्टेट्स में करा गया. सो फर्स्ट हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इसको प्रैक्टिस किया गया था. That is the green revolution. Production बढ़ा भी था. Okay. Next, what do you mean by garrison town? Okay. What was the use of that? Garrison town में मैंने आपको बताया था जो कि आर्मी के मेंटेनेंस के लिए, आर्मी की ट्रेनिंग के लिए या वेपन्स के रखने के लिए, जिसे हम कैंटोन टाउन्स भी बोलते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है, जैसे अम्बाला कैंट, दिल्ली कैंट. ओके, सो पहले सो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, वेपन्स रखने के लिए जो टाउन्स होते थे, that were called the garrison towns. Next one, what do you mean by migration? What is the push factor and pull factor of migration? So migration क्या है? Movement of people from one place to another. And अगर हम push factor की बात करें, push factor वो facilities होती है जो attract करती है लोगों को. Employment है, education है, health facilities है, basic facilities है. Okay. जबकि push factor में वो चीजें आएंगी जो push करती है, मतलब lack of employment है, no education facilities, no health facilities. ये सारे फैसिलिटीज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या लोकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वहाँ पर, या पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, ये सब क्या है? पुश फैक्टर है. ओके, जो किसी भी पर्सन को मजबूर करते हैं कि वो उस जगह को छोड़ के चले जाए. नेक्स्ट वन इज रिटेलर ट्रेड सर्विस. रिटेलर ट्रेड सर्विस मैंने आपको बताया भी था कि रिटेलर ट्रेड सर्विस में डायरेक्ट कंज्यूमर तक जब सामान पहुंचाया जाता है, जैसे हमारे शॉपकीपर है, हम शॉप पे जाते हैं सामान लेने के लिए, तो डायरेक्ट कंज्यूमर तक जब सामान पहुंचाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द रिटेलर ट्रेड सर्विस. नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 मेन फैक्टर दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. सो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बताया गया था आपको एजुकेशन, हेल्थ एंड आप रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं एंड PCI भी लिख सकते हैं, पर कैपिटल इनकम लिखिए रिसोर्सेज. तो ये 3 फैक्टर्स हैं दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द 3 फैक्टर दैट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाले 3 रीजंस बताने थे. उसमें आप लिख सकते थे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और क्लाइमेट और रिलीफ. सो क्लाइमेट जहाँ की ना ज़्यादा कोल्ड है ना ज़्यादा हॉट है, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं. अवेलेबिलिटी वाटर जहाँ पर होती है रिवर के आसपास में, हम देखेंगे कि सिविलाइजेशन भी वहीं से स्टार्ट हुई थी. एंड रिलीफ फीचर इन कंपैरिजन टू प्लेट्यू एंड हिल्स एंड माउंटेन,
इनके कंपैरिजन में प्लेन में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन रोल ऑफ बीआरओ. बीआरओ का क्या रोल है एंड व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश. तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1960 में. और इसका मेन रोल है कि जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर रोड का कंस्ट्रक्शन करना, हायर एल्टीट्यूड में स्नो है उनको क्लियर करना, एंड बॉर्डर पर जो विलेजेस है वहां पर रोड का कंस्ट्रक्शन करना, जो डिफेंस पर्पस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रेटेजिकल सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी हम देख रहे हैं कि चाइना एंड इंडिया के बीच में वॉर चल रहा है, तो जो रोड का मेंटेनेंस है वहां पर, जो रोड का कंस्ट्रक्शन किया है वो भी बीआरओ ही करेंगे. ओके, इस नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है. सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज. नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन करना है या मेंटेनेंस करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नाइ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो गोल्डन क्वाड्रिलेटर हमने पढ़ा भी था, गोल्डन क्वाड्रिलेटर है वो 4 to 6 लेन है जिसका कंस्ट्रक्शन कौन करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसका कंस्ट्रक्शन किया है, जो कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी इंडिया की, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कैलकटा, उनको आपस में ज्वाइन करती है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म. सो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में कहा गया था कि जो नेचर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है. जो ह्यूमन बीइंग था पहले वो नेचर की बात मानता था, नेचर की वर्शिप करता था, नेचर से डरता था. उसके बाद में सेकेंड टर्म आता है पॉसिबिलिज्म. पॉसिबिलिज्म में क्या हो गया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो गया, नेचर का ह्यूमनाइजेशन हो गया. अब ह्यूमन बीइंग है वो नेचर को अपने अकॉर्डिंग चलाता है. क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट में कैसे रहना है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो हम एसी का यूज करेंगे. तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो ह्यूमन बीइंग है उसने नेचर को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करी है. इनके बीच का पाथ था जिसे गो एंड स्टॉप भी कहा जाता है, जो ग्रिफ्थ टेलर ने फॉलो किया था. उन्होंने कहा था स्टॉप एंड गो मीन्स स्टॉप हुई है उसके बाद में यू विल गो, कि हम कितने भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो उनको रिन्यू होने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा. मीन्स ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग है वो टोटली नेचर को चेंज करेगा, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और नेचर है वो नेचुरल क्लामिटी एंड डिजास्टर आने लगेंगे. इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी. तो सभी बच्चों ने किया ही होगा क्वेश्चन कि प्राइमरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, सो फिशिंग, हंटिंग, एग्रीकल्चर वर्क, दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटी. जबकि सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग वर्क आते हैं, रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड्स में किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द सेकेंडरी एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है. रूरल सेटलमेंट में लोग हैं वो, उनके सोशल रिलेशन ज्यादा अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू अर्बन सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट में लोग प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, जबकि अर्बन सेटलमेंट में सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होते हैं. ओके, एंड रूरल सेटलमेंट है वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड नहीं होती, जबकि अर्बन सेटलमेंट है वो कंजस्टेड होती है. ओके, रूरल सेटलमेंट में टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, जबकि अर्बन सेटलमेंट में टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड टू ईच. ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज एस्टैब्लिश बाय शेर शाह सूरी. ओके, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे. लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH7, और अगर आपने NH44 भी लिखा है दैट इज द करेक्ट, क्योंकि NH7 का नाम चेंज होके NH44 हो गया, जो कि कहां से कहां तक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक. नेक्स्ट वन इज एग्जांपल ऑफ रिलीजियस टाउन. सो रिलीजियस टाउन में आप मथुरा, काशी, वाराणसी, मदुरई, हरिद्वार कुछ भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ टूरिज्म में कौन सी कंट्री वो सबसे आगे है, दैट इज इंडिया. इंडिया हेल्थ टूरिज्म में सबसे आगे है. वर्किंग एज क्या है, 15 to 59 इज द वर्किंग एज. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मैप. अब मैप में आपको क्या फिल करना था, इसमें आपको 6 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें से यू हैव टू डू एनी 4. सो पहले आपने वो स्टेट बताना था जिसका HDI रैंक सबसे ज्यादा इंडिया में, दैट इज केरला, आपने यहाँ पर फिल करना था. नेक्स्ट वो स्टेट आपने फिल करना था जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे कम है, तो मैंने आपको कल ही बताया था 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन उत्तर प्रदेश. सो इसमें आप नोएडा फिल करेंगे, उत्तर प्रदेश में नोएडा है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है. क्वाड्रिलेटर रोड्स में आपने दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई एंड चेन्नई टू मुंबई, आप एंड मुंबई टू दिल्ली, उस तरीके से आपने एक पूरा क्वाड्रिलेटर है वो ड्रॉ करके दिखाना था. नेक्स्ट वन इज
एनी वन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, प्रोड्यूसिंग स्टेट में आप सबसे पहले वेस्ट बंगाल एंड बिहार फिल कर सकते थे. नेक्स्ट नॉर्दर्न जोन ऑफ रेलवे, रेलवे के 16 जोन थे, उसमें से नॉर्दर्न जोन में आपको फिल करना था दिल्ली. ओके स्टूडेंट, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ योर पीरियोडिक टेस्ट. ओके, सो यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक एंड ऑल्सो द सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉल्यूशंस मैंने आपको अभी वीडियो में बता दिए हैं. सो यू हैव नो नीड टू राइट द ऑप्शंस, आपको ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट राइट द क्वेश्चन एंड देन आंसर. होमवर्क फॉर टुमारो. ओके, सो डू योर वर्क रेगुलरली एंड ऑब योर पेरेंट्स. थैंक यू.